जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने कैसे घर पर ही बनी छाछ का मैंने पनीर निकाला, तो आज मैं उसी पनीर से एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हमने करना है पैन गरम, इसमें डालेंगे हम ऑयल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है। जैसे तेल गरम होता है उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर प्याज। इसे हमें थोड़ा सा भुनना है, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, इसके हल्का सा पिंक होने तक ही हमें इसको रोस्ट करना है, क्योंकि हमें क्रंची प्याज इसमें चाहिए। अब डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और देगी मिर्च। तो इसे भी हमने अच्छे से रोस्ट करना है, भुनना है। इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ टमाटर, यहाँ मैंने स्किप कर दिया है उसे। तो इसे हमने बस कुछ सेकंड तक ही भुनना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने पनीर तैयार किया था, इसको हमने इसमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेकंड तक ही भुनना है, क्योंकि सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये हमारी पनीर की भुजिया बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप पनीर की भुजिया अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो उसकी जगह आप पराठा भी तैयार कर सकते हैं। तो हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।